नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने निशोध का पौधा लेकर आया हूं। यह निशोध एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है, जड़ी बूटी है। आज मैं आपको इसी फायदे के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों फायदा जानने से पहले आप इस निशोध के पौधे को ठीक से देख लीजिए, पहचान लीजिए, ताकि यह पौधा आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप इसे पहचान सकें। तो दोस्तों यह निशोध एक बेलनुमा पौधा होता है, जमीन में चारों तरफ फैलता है या फिर किसी पेड़ झाड़ी के सहारे ऊपर भी चढ़कर फैलता है काफी दूर तक। इसके तीन प्रजाति होते हैं, एक सफेद फूल वाला होता है, एक पीला फूल वाला होता है और एक नीला फूल वाला होता है। तो दोस्तों नीला फूल वाला निशोध बड़ा ही दुर्लभ होता है, बाकी पीला फूल और सफेद फूल वाला निशोध आपको देखने के लिए हर एक जगह पे मिल जाएगा। दोस्तों यह निशोध एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है और बहुत सारे बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। दोस्तों यूं तो निशोध का हर एक हिस्सा आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भरा हुआ है, लेकिन अधिकतर इसके जड़ के छाल का इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेदिक दवाई बनाने में, क्योंकि दोस्तों हर एक मौसम में फूल पत्ता फल इसका नहीं मिलता है, लेकिन जो जड़ है वह हर एक मौसम में इसका मिलता है। और अगर हम आयुर्वेदिक स्टोर में निशोध नाम की जड़ी बूटी खरीदना चाहेंगे तो हमें इस जड़ी बूटी की जड़ ही प्राप्त होगा, जड़ ही मिलेगा। इसलिए बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधि में जड़ का ही इस्तेमाल किया जाता है, जड़ को ही मिलाकर दवाई बनाया जाता है। तो चलो दोस्तों आप भी देख लीजिए, पहचान लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पौधे को, इस जड़ी बूटी पहचान चुके होंगे। तो आओ चलो विस्तार तरीके से हम यह जाने कि आखिर इस जड़ी बूटी के अंदर क्या क्या फायदे हैं हमारे शरीर के लिए। तो आओ चलो अब इसके आयुर्वेदिक औषधि गुण को जाने कि यह जड़ी बूटी हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। तो दोस्तों इसके जड़ का चूर्ण 2 ग्राम और तेज पत्ते का चूर्ण 2 ग्राम, दालचीनी कि लकड़ी का चूर्ण 2 ग्राम और काली मिर्च के चूर्ण 2 ग्राम, ये सभी को 2-2 ग्राम मिलाकर 10 ग्राम शहद मिलाकर चाटने से खाने से खांसी रोग दूर होता है, कफ रोग दूर होता है और पेटों के अंदर होने वाले एसिडिटी गैस और कब्ज रोग भी दूर होते हैं। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों या निशोध हमारे शरीर के लिए। चलो थोड़ा और हम जान लें इसके फायदे के बारे में कि और कितना फायदेमंद है यह निशोध हमारे शरीर के लिए। तो दोस्तों अगर किसी के जोड़ जोड़ में दर्द होता हो, गांठ गांठ में दर्द होता हो, तो निशोध का चूर्ण 5 ग्राम, अश्वगंधा का चूर्ण 5 ग्राम, रसना का चूर्ण 5 ग्राम, सौंठ का चूर्ण 5 ग्राम, वंश लोचन 5 ग्राम, गोखरू का चूर्ण 5 ग्राम, मेथी का चूर्ण 5 ग्राम, सुदर्शन का चूर्ण 3 ग्राम, चिरैता का चूर्ण 3 ग्राम, नागर मोथा का चूर्ण 2 ग्राम, कुटच के चूर्ण 2 ग्राम, इन सभी चूर्ण को, तो दोस्तों इन सभी चीजों को 500 ml पानी में डालकर पकाना है। पकाते पकाते 450 ml पानी को जला देना है, मात्र 50 ml पानी बचाना है। वह पानी समझ लीजिए काढ़ा है, दवा है। उस काढ़ा का सेवन करना है जिसके हाथ पैर में जोर जोर में दर्द होता है, रोज दिन में 2 बार सुबह शाम। तो दोस्तों घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, शरीर के किसी भी हिस्से में अगर दर्द होता होगा या बुखार होगा, हड्डी में बुखार होगा या मियादी बुखार होगा, टाइफाइड बुखार होगा या जोड़ी बुखार होगा, हर तरह के बुखार इससे दूर हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों या नुस्खा जो मैंने आपको बताया या निशोध का जड़। दोस्तों यह निशोध का चूर्ण लकवा और मिर्गी रोग में भी काफी फायदेमंद होता है। अगर किसी को लकवा की बीमारी हो तो निशोध का चूर्ण 5 ग्राम, अश्वगंधा का चूर्ण 5 ग्राम, दोनों चूर्ण को मिलाकर 20 ग्राम शहद के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें और ऊपर से 1 लीटर दूध पिए। पूरे दिन में एक ही बार नहीं पीना है, 1 लीटर दूध आपको पूरे दिन में पीना है, इतना जान लीजिए।
और दोस्तों अगर किसी को मिर्गी की बीमारी हो तो इस निशोध का चूर्ण 1 ग्राम, अश्वगंधा का चूर्ण 1 ग्राम, ब्रह्मी का चूर्ण 1 ग्राम, शंख पुष्पी का चूर्ण 1 ग्राम, सभी चूर्ण के साथ में शहद मिलाकर सुबह शाम चाटे तो मिर्गी का दौरा जो है कम होने लगेगा। यानी दिमाग की कमजोरी को दूर करने की भी ताकत इस निशोध के अंदर है। तो दोस्तों इस तरह से यह आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके फायदे तो बहुत हैं, उन फायदों में से मैंने आपको कुछ ही फायदे बताया हूँ। तो चलो दोस्तों इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।